ठीक है भाई, हमारा चैप्टर फोर हम शुरू कर रहे हैं अब, और इसका मौजू है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये पहले भी डिस्कस हुआ है। किसी चीज़ के ऐसे टुकड़े जो मल्टीप्लाई की हालत में हो, उन्हें आप क्या कहते हैं, फैक्टर्स। हम बोलेंगे थ्री जो है वो 12 का फैक्टर है, फोर जो है वो 12 का फैक्टर। क्या होते हैं ऐसे टुकड़े, दो हो, तीन हो, पाँच हो, ऐसे टुकड़े जो मल्टीप्लाई की हालत में हो, वो किसी भी नंबर के फैक्टर होते हैं। ठीक है, आप जब छोटी क्लास में थे तो आपको कोई नंबर दे देते थे, मिसाल के तौर पर आपको दे दिया 32, बोला इसके फैक्टर निकालें, तो आप ये वाला काम करते थे, याद होगा। इससे आप निकालते थे प्राइम फैक्टर, फैक्टर। अब जैसे ये भी फैक्टर हैं, लेकिन इसमें तीन प्राइम है, चार प्राइम नहीं है। प्राइम किसे कहते हैं, जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में ना आए, उसे प्राइम कहते हैं। तो ये तो अपने अलावा किसी पहाड़े में नहीं आता, लेकिन ये आता है। तो ये फैक्टर तो हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर। आप जब छोटी क्लास में थे तो आपको कहते थे 32 के फैक्टर निकालें, तो आप ये वाला मेथड इख्तियार करते थे। ये मेथड निकाल होता था प्राइम फैक्टर के लिए। यहाँ पहाड़ा सिर्फ वो लगाएंगे जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता। जैसे मैंने लिखा 2 1 2, 2 6 12, दो अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता, 1 का टेबल नहीं होता। ठीक है, 16 को किससे काटेंगे, 2 8 16, 2 4 8, क्या 4 लगा सकता हूँ यहाँ, नहीं। क्या लगेगा, 2 2 4 2 1, तो ये आपने इसके फैक्टर निकाल लिए 32 के, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं। तो बचपन में आप फैक्टर बनाने के लिए ये वाला तरीका इख्तियार कर रहे थे। ठीक है, अब आप आ गए 9th क्लास में और आप पढ़ रहे हैं अलजबरा। अब आपको फैक्टर बनाने हैं अलजबरा के नंबर का। ठीक है, अलजबरा की जो वैल्यू आपको दी गई है कोई भी सवाल की शक्ल में, आपको उसे अगर वो प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, तो आपको उसे फैक्टर बनाकर मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के कई तरीक़े हैं जो इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में आपके पास आएंगे। सही है, तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। इसका पहला सवाल, पहले सवाल में आप देखिए लिखा हुआ 4x प्लस का 16y प्लस का 24z। ठीक है, कह रहे हैं इसका क्या बनाइए, फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। सही है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, तीनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 कॉमन निकाल रहा है। याद रखिए, कॉमन निकालने का मतलब माइनस करना नहीं होता, बल्कि जिस चीज़ को आप कॉमन निकालते हैं उस चीज़ से सबको डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखिए। अक्सर बच्चे कॉमन निकालने का मतलब क्या समझते हैं, माइनस कर दिया, यहाँ से 4 निकाल लिया, यहाँ से 4 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, उनके जहन में आता 12 बचेंगे, यहाँ से 4 निकाल लिया तो कितने बचेंगे, 20। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ को आप कॉमन निकालते हैं उस चीज़ से सबको डिवाइड कर देते, 4 से 4 तो कट गया, क्या बचा सिर्फ x, 4 से 16 कटेगा किस पे, 4 पे, तो ये बचा 4y, 4 से 24 कटेगा किस पे, 6 पे, 4 6 24 z। अब ये दो फैक्टर हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों के दरमियान कौन सा साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का। तो ये पहले सारे किस में थे, प्लस में, अब ये दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए जिसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x² वाई प्लस 4x² y² और z।
इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है एक जैसा? इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए तो क्या बचा? जब इसको एक्स स्क्वायर से काटेंगे तो कट के वन बचेगा, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा? 3y, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा? 4y² × z। उतारते जाएं आप लोग, मैं सवाल करता जा रहा हूँ आगे, दूसरे के बाद तीसरा सवाल। थ्री पी क्यू आर प्लस 6PQT और प्लस 3PQS ठीक है, पहले आ जाएं सवाल कर लेते हैं, फिर मैं जब लिखूंगा तो उतार लीजिएगा। अब आप बताइए इसमें क्या चीज़ एक जैसी है? पहले तो थ्री इसमें भी है, थ्री इसके टेबल में भी आता है, थ्री इसमें भी आता है, तो पहला कॉमन क्या निकला? थ्री। पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी और क्या है? क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, तो कॉमन क्या आ गया? तो 3PQ निकाल लिया तो क्या बचा? R। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पे, और PQ निकल चुका है तो क्या बचा? P। 3 के टेबल में 3 निकल गया, PQ निकल गया तो क्या बचा? S। ठीक है, उतारिए। ठीक है भाई, चौथा सवाल देखें। ये दो चीज़ें हैं, इसमें एक जैसा क्या है? ये दो चीज़ें इसमें एक जैसा क्या है? क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, और ये वाली पूरी ब्रैकेट दोनों में है। तो मैंने बाहर क्या लिखा? क्यू आर और ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से क्या बचा? 9 बचा। यहाँ से क्या बचा? 9। और यहाँ से क्या बचा? एक तो 8 बचा, और क्यू एक निकल गया, दो थे, दो में से एक निकल गया तो कितना बचा? 1। और आर में भी दो थे, इसमें से एक निकल गया तो क्या बचा? 1। और ये वाली पूरी चीज़ निकल चुकी है तो ये बचा। उतार लीजिए, ऑफ करें इसे। ठीक है भाई, पांचवा सवाल। इसमें एक जैसा क्या है? जेड स्क्वायर इसमें भी है, जेड स्क्वायर इसमें भी है, जेड स्क्वायर इसमें भी है, एक्स इसमें भी, एक्स की पावर वन इसमें भी है, और एक्स की पावर वन इसमें भी है। ऊपर से तो निकला आपका जेड स्क्वायर और एक्स की पावर वन, नीचे तीनों किस टेबल में आ रहे हैं? बड़े से बड़ा टेबल ढूंढते हैं हम। 4। 4 के टेबल में ये भी आ रहा है, 4 के टेबल में ये, 4 के टेबल में ये। अब बताओ, यहाँ से जेड स्क्वायर निकल गया, एक्स निकल गया, तो ऊपर बचा 1। 4 के टेबल में 16 कब आता है? चौक पे, तो यहाँ चौक लगा दिया, माइनस का साइन। जेड स्क्वायर निकल गया और एक एक्स निकल गया तो क्या बचा? एक एक्स। नीचे क्या बचा? 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 पे, प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया, जेड की पावर 3 है, सॉरी, एक एक्स निकल गया, 2z निकल गया तो क्या बचा? 1x और 1। और 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पे। ठीक है, उतारिए इसको, मैं छठा करवा रहा हूँ जब तक।
छठे में लिखा है जनाब ए एक्स माइनस वाई माइनस का ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसे देखें इन तीनों में एक जैसा क्या है। सबसे पहले तो एक जैसा है तीनों में, है ना, ए निकाल लिया। और एक जैसा क्या है, एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट एक जैसी है। तो यहाँ से तो सब निकल गया, क्या बचा वन। यहाँ से क्या निकल गया, एक ए निकल गया, एक ए बचा और एक बी बचा और ये निकल चुका है। यहाँ से एक ए निकल गया, एक ए बचा और बी स्क्वायर बचा और वो निकल चुका है। ये जवाब है इसका। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट। सेवन एक्स प्लस का एक्स जेड प्लस का सेवन जेड प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये चार चीज़ें हो गई हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दो को एक चीज़ मान लें, इन दो को। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, यहाँ से क्या बचा प्लस जेड। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, जेड, तो यहाँ से क्या बचा प्लस एक जेड। याद रखें जब आप इस तरह जोड़ा बनाते हैं, ये इसका जोड़ा अलग बना लिया, इसका जोड़ा अलग बना लिया, तो ये सोच कर बनाते हैं कि कॉमन निकालने के बाद जो रकम आएगी वो दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एक रकम दोनों में क्या होनी चाहिए। अब इस वाले स्टेप में क्या चीज़ एक जैसी है, सेवन माइनस का जेड, तो यहाँ से क्या बचा एक्स और वहाँ से क्या बचा जेड। उतारिए एक्स प्लस जेड, सेवन प्लस का जेड। ठीक है, दूसरा सवाल आप उतारते जाएं, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। ठीक है, अब इस वाले सवाल में देखें, इन दो का जोड़ा अलग कर दिया, इन दो का अलग कर दिया, इन दोनों में एक जैसा क्या है। पहले तो ये दोनों नौ के टेबल में आते हैं, ए की पावर वन, इसमें भी ए की पावर वन और बी की पावर वन, इसमें भी बी की पावर वन। यहाँ से नौ निकाल लिया, एक ए निकाल लिया, एक ए बच गया और बी निकाल चुके हैं आप। अब नौ के टेबल में 18 कब आता है, नौ दूनी 18, एक ए निकल चुका है, एक बी निकल चुका है, एक बी बचा, तो यहाँ से ये बचा ए प्लस टू बी। अब इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, एक जैसा क्या है दोनों में, एक तो सिक्स है और सी है, तो सिक्स के टेबल में से सिक्स निकल गया, सी निकल गया, बाकी क्या बचा ए, बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज होगा। ये बहुत एहतियात से आपको ये बात समझनी है, अगर आपने कॉमन में बाहर माइनस निकाला है तो अंदर वाली साइन क्या करते हैं आप, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, छः के टेबल में 12 कब आता है, दो पे, और क्या निकल चुका है, सी निकल चुका है, तो क्या बचा। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है, ए प्लस टू बी, वो यहाँ लिख दिया आपने ए प्लस टू बी, और यहाँ क्या बचा, नाइन ए बी, नाइन ए बी माइनस का सिक्स, ये जवाब है। ठीक है, उतारें। ठीक है, अब तीसरा सवाल, ये भी वैसे ही होगा बिल्कुल, इन दोनों में एक जैसा क्या है, सिक्स, बाकी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से क्या बचा टी, और यहाँ से क्या बचा, छः के टेबल में 12 कब आता है, दो पे आता है, यहाँ दो लगा दिया, सॉरी पी भी बचा है ना, पी भी लगा दिया,
ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? चार में। और एक जैसा क्या है? क्यू। तो यहाँ से चार और क्यू निकल गया, तो क्या बचा? टी। बाहर प्लस है, क्या साइन चेंज होगी? नहीं। माइनस एस क्या? चार के टेबल में आठ कब आता है? दो पे। और क्यू निकल चुका, बाकी क्या बचा? टी। इन दोनों में एक जैसा क्या है? टी माइनस टू पी, और बाकी का बचा सिक्स प्लस का फोर क्यू। इसको उतार लीजिए और मैं अगला सवाल करा रहा हूँ। चौथा, आर स्क्वायर प्लस नाइन आर एस माइनस सेवन आर एस और माइनस का 63 एस स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमने वही करा, एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर इसमें एक जैसा क्या है? आर। यहाँ से बचा आर, यहाँ से बचा 9s। ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? सेवन में। और दोनों में s भी एक जैसा है, तो यहाँ से आपने सेवन और s निकाल लिए, तो क्या बचा? r। बाहर क्या है? माइनस। अंदर की अलामत चेंज होगी। सात के टेबल में 63 कब आता है? नौ पे। सात तीन 63, और एक s आप निकाल चुके, एक s बचा। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है? r प्लस 9s। यहाँ से आपने लिखा r प्लस 9s, यहाँ से क्या बचा? r माइनस का 7s। ये जवाब उतार लीजिए। माइनस का वाई स्क्वायर जेड अपॉन फोर, माइनस का जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 और प्लस का जेड की पावर 3 टी अपॉन 9। ठीक है भाई, ये आपका पांचवा सवाल। जी क्या निकल रहा है कॉमन दोनों में? पहले वाई स्क्वायर भी है ऊपर से इन दोनों में, और नीचे से क्या है? तो यहाँ से तो ये पूरा ही निकल गया, तो क्या बचा? वन। और यहाँ से वाई स्क्वायर और फोर निकल गया, तो क्या बचा? माइनस का जेड। इन दोनों में एक जैसा क्या है? जेड स्क्वायर भी दोनों में सेम है और टी भी दोनों में सेम है, ऊपर से और नीचे से 9 भी सेम है, तो जेड स्क्वायर टी और 9 सब निकल गया, तो क्या बचा? बाहर क्या है? माइनस। ये वाला प्लस चेंज हो गया, क्या हो जाएगा? अब इसमें से क्या बचा? जेड स्क्वायर और टी निकल गया, तो एक जेड बचा ऊपर से और नीचे से, तो 9 पूरा निकल चुका है। इन दोनों में एक जैसा क्या है? 1 माइनस जेड, क्या बचा? वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। सही उतारिए, मैं छठा सवाल कर रहा हूँ जब तक। माइनस का 14 वाई स्क्वायर अपॉन 11 और माइनस का 7 वाई जेड अपॉन 11। ठीक है, देख लें इसे भी, ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? पांच में। और दोनों में एक जैसा क्या है? एक्स। और नीचे से एक जैसा क्या है? 11। तो पांच के टेबल में 10 कब आता है? दो पे। और एक्स निकल चुका, क्या बचा? नीचे से 11 में निकल चुका है, प्लस 5x अपॉन 11 निकल चुका, तो क्या बचा? जेड। इन दोनों में एक जैसा क्या है? दोनों किस टेबल में आते हैं? 7 में। और एक जैसा क्या? वाई।
और नीचे से क्या एक जैसा है 11, तो 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 पे और 1 वाई निकल चुका है, 1 वाई बच गया है और 11 निकल चुका है, बाहर माइनस है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, 7 वाई और 11 निकल गया, बाकी क्या बचा? अब इन दोनों में एक जैसा क्या है? 2y प्लस का z, यहाँ से क्या बचा? 5x upon 11 और माइनस का 7y upon 11 उतार लीजिए। ठीक है भाई, अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले हम एक बुनियादी बात सीख लेते हैं, वो क्या है कि आप जानते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, हमने इसको इस तरह से पढ़ा है, अब हमें इसको इस तरह से पढ़ना है कि अगर कहीं ए स्क्वायर हो, 2ab हो और b स्क्वायर हो तो उसको ऐसे बंद किया जा सकता है। यहाँ से क्या निकालते हैं आप? a, यहाँ से क्या निकालते हैं आप? b, और बीच की अलामत निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे भी यही नोट हो रहा है, यहाँ से क्या निकाला हुआ? a, यहाँ से क्या निकाला हुआ? b, और बीच वाले की क्या निकाली हुई है? साइन। तो कहीं अगर ये दो कंडीशन आपको मीट कर जाएँ तो फार्मूला बंद करना आपको आना चाहिए। अगले जो सवाल आते हैं वो इस बेस के ऊपर हैं। देखिए पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है? 4a² प्लस का 12ab और प्लस का 9b². तो पहले हमें इसको फार्मूले की फॉर्म देनी है, कोने कोने वाले पे क्या होता है? इसका भी स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? 2a² और इसको क्या बना सकते हैं? 3b² बीच में क्या होता है? प्लस का 2ab होता है ना, मैंने 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह क्या लिखूं? 2a, और b की जगह क्या लिखूं? 3b। क्या इसको हल करने से ये आता है, 2 का स्क्वायर करने से ये आता है? जी हाँ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 ab, ये भी आता है और 9b². इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये दरअसल फार्मूला है। अब इसको बंद कैसे करेंगे? यहाँ से क्या निकालेंगे? a, और वहाँ से क्या निकालेंगे? b, और b से क्या निकालेंगे? साइन, और इसका क्या कर देंगे? ये जवाब है, फैक्टर बन गया, ऐसे लिख सकते हैं दो बार इसको, 2a + 3b और 2a + 3b, ये बन गया फैक्टर। उतारिए, ठीक है। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ, (36x^4 + 12x²+1). ठीक है, इसको भी किस फॉर्म में लेकर आना है? फार्मूले की फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 36 का square root क्या होगा? 6, और ये x^4 है, अंदर 2 बाहर 2, तो 6^2 का मतलब 36 और x^2 = 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का square, बीच में क्या आता है? 2, a की जगह 6x² और b की जगह पे 1। क्या इसको हल करने से ये आ रहा है? 2×6 = 12x². जी हाँ, इसको भी बंद करेंगे कैसे? यहाँ से क्या निकाल लिया? a, और यहाँ से क्या निकाल लिया? b, और b से क्या निकाल लिया? साइन, और इसका क्या कर दिया? ये स्क्वायर, इसको दो बार लिख सकते हैं, 6x² + 1 और 6x² + 1। उतारिए,
ठीक है भाई, देखें आप लोग तीसरा ये है। इस पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट वन ही होता है। फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, टू, और ये x की पावर वन लिख दिया, पावर दो लगा दिया। देखिए वन की पावर दो का मतलब वन, दो की पावर दो का मतलब चार, और x की पावर दो, ये हो गया ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, बीच में क्या लगाते हैं, टू ए, ए की जगह पे ये x, और b की जगह पे वन अपान टू एक्स। क्या इसको हल करने से ये आ रहा है, इसको हल करने से तो ये आ रहा है, और ये वाले दो से ये वाला दो गया, ये वाले x से ये वाला x गया ऊपर नीचे, सिर्फ क्या बचा वन, और इससे ये आ रहा है। वेरी गुड, अब हम इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल लें x, वहाँ से क्या निकाल लें वन अपान टू एक्स, बीच से निकाल लें साइन, और इसका क्या कर दें स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से इसको दो बार लिख सकते हैं, और x प्लस वन अपान टू एक्स। ठीक है, उतारे हैं इसे, चौथा सवाल भी कर रहा हूँ मैं। तो जनाब क्वेश्चन नंबर फोर, 81y² और प्लस का 144yz और प्लस का 64z². ठीक है, दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लें। 81 का क्या निकलेगा, 9y का होल स्क्वायर, और 64 का क्या निकलेगा, 8 8 64 जेड का स्क्वायर। ये a बन गया, और ये बीच में क्या आता है, 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह 9y, और b की जगह पर 8z। क्या इसको हल करने से ये आ रहा है, दोनों 18 18 8 144 yz, सही है, 18 8 144 yz। तो ये बंद कर दें, यहाँ से निकला 9y, वहाँ से निकला 8z, और बीच से क्या निकला साइन, और इसका क्या कर दिया। अब इसको दो बार लिखेंगे, 9y प्लस का 8z और 9y प्लस का 8z, उतार लीजिए।